नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको झांसी के मेडिकल कॉलेज से अंदर जो करगवा जी की बस्ती है उस तरफ लेकर चलते हैं। शाम का समय है और आप देख रहे होंगे कि ज़बरदस्त रोशनी हो चुकी है। ये जो रास्ता आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये झांसी के करगवा जी की तरफ जाने वाला रास्ता है और यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल आपको दिखाई देंगे। हम ये हॉस्पिटल का आपको नज़ारा तो दिखाएंगे ही, साथ में अंदर जो कॉलोनी है करगवा जी उसको भी दिखाएंगे। ये रास्ता किसी समय जब करगवा जी के लिए, जो करगवा जी यहाँ पर तीर्थ स्थल है, भगवान महावीर जी यहाँ पर विराजमान है और यह भव्य तीर्थ स्थल है, इस स्थल पर जाने के लिए यह रास्ता बिल्कुल सुनसान और दोनों तरफ से खाली नज़र आता था। लेकिन समय बदलते साथ आज इस स्थान पर दोनों तरफ आपको बड़े बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स नज़र आने लगे हैं। एक व्यावसायिक घर भी बन गया, ये जो आपने बोर्ड देखा भी, और यहीं से जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ आपको डिफेंस कॉलोनी भी मिलेगी और बाईं तरफ आप देखते चलिएगा तो आपको भगवान महावीर जी का जो जैन तीर्थ स्थल है, यहाँ से आप जब मुड़ेंगे तो अंदर करगवा जी का मंदिर ये ठीक सामने आपको मंदिर नज़र आ जाएगा और इसके बगल में और कॉलोनी जो अब यहाँ बन गई हैं, डिफेंस कॉलोनी बन गई है, इसके अलावा कुछ और नई कॉलोनियाँ यहाँ पर डेवलप होती जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखेंगे, पिछले 2-3 दशकों में इस इलाके में बहुत तेज़ी से व्यावसायिक गतिविधियों ने जोर पकड़ा है। हम आपको इस इलाके की व्यावसायिक गतिविधियों और बदलते स्वरूप के साथ में अंदरूनी हिस्से के कुछ शाम के समय के नज़ारे भी दिखाएंगे, क्योंकि यह इलाका कई लोगों की यादों से जुड़ा हुआ है। जहां ये देख सकते हैं मानसोवर सिटी के लिए भी जाने वाला रास्ता है और यह जैसा कि मैं कह रहा था कि डिफेंस कॉलोनी जो अब यहाँ पर नई विकसित हो गई है उसके लिए रास्ता है और यहाँ से सीधे आप करगवा जी के अंदरूनी हिस्से में जाने के लिए कई मोड़ से अंदर जा सकते हैं। बहुत सारे मोड़ हैं, हम आपको एक मोड़ से कुछ लम्हों के लिए अंदर लेकर भी चलेंगे। ये सामने जो मकान आप देख रहे हैं यह दीक्षित जी का मकान था और यह अंदर के कुछ रात के समय के खूबसूरत पल हैं। तो आपको मेडिकल कॉलेज से करगवा जी के रास्ते तक आने में कितना बदलाव पिछले 3-4 दशकों में जो आपको देखने को मिला है वो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपको जल्द नई रिपोर्ट के साथ में मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट झांसी।